रूसी तेल पर प्राइस कैप को लेकर पुतिन का बड़ा बयान, कहा कि रूस अपने भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों से करेगा सीधी बात। रूस ने पाकिस्तान को लौटाया खाली हाथ, क्रूड ऑयल पर भारत की तरह मांगा था 40% डिस्काउंट, पुतिन सरकार ने कहा नहीं देंगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने कैप्टन अमरिंदर और सुशील जाखड़, दोनों को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य किया नियुक्त। JNU की दीवारों पर लिखे जाति सूचक नारों पर अनिल विज का बयान, कहा देश तोड़ने की कोशिश, ब्राह्मण बनिया विरोधी नारे लिखे। पुराने संसद भवन में ही होगा शीतकालीन सत्र, डेंटल कमीशन समेत 16 बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार, संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिन बाद होगा शुरू। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की इंडेक्स, न्यूयॉर्क सिंगापुर दुनिया में सबसे महंगे शहर, चेन्नई बेंगलुरु और अहमदाबाद सबसे सस्ते शहर। जैसी शहर फिट पर फ्लाइट का गेट खोलने पर लगी महिला, रोका तो सिर पटकने लगी, बोले जीसस ने एक ऐसा करने के लिए कहा। अफगानिस्तान में नहीं रुक रही तालिबान, एक दूर का चेहरा दिख रहा तो यूनिवर्सिटी में घुसने से रोका, अब सिर्फ हिजाब ही काफी है। मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल पहुंचे यूक्रेन, जेलेंस्की से बोले जंग से उबरने की दिखाऊंगा कहानी, पीएम मोदी के साथ कर चुके हैं शूटिंग। प्रदेश के आगरमालवा के तनोरिया पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने लोगों से की मुलाकात, यात्रा के स्वागत की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। सनकी हत्याकांड का बिसर पुलिस ने किया खुलासा, प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर की युवती की हत्या, हत्याकांड सुसाइड बनाने की रची पड़ गई। अबू ब्लॉक में बुजुर्गों को मशरूम की उत्पादन की दिक्कत दिया जा रहा प्रशिक्षण, बुजुर्गों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही सामग्री, 500 से अधिक बुजुर्गों को मशरूम की फार्मिंग से जोड़ने का रखा जा रहा है। जय नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पर रेप का आरोप, 15 जुलाई 2021 को रेप पीड़ित की शिकायत पर करवाया था मुकदमा दर्ज, पीड़ित महिला थाने पहुंची। हस्ती कोचिंग के लिए निकले 3 छात्र, जय स्तंभ चौराहे पर हुई दुर्घटना के शिकार, एक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में 3 का उपचार चल। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते एक अभियुक्त गिरफ्तार, 1 किलो 215 ग्राम अवैध चरस बरामद, थाना अध्यक्ष सहसपुर गिरीश नेगी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। आयुष्मान खुराना के सामने रोए शहनाज गिल, कहा लोगों को लगता है कि मैं सिंपति लेने के लिए ये सब करती हूँ। शब पंत के साथ लिंक अप पर उर्वशी ने तोड़ी चुप्पी, कहा आरपी मेरे को स्टार है, नहीं पता था शब का यही नाम है। सर्कस का ट्रेलर हुआ लॉन्च, डबल रोल में नजर आएंगे दीपक रणवीर सिंह, दीपिका देगी सरप्राइज, 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। टाइगर रिजर्व मामले पर अभिनय टंडन ने दिया जवाब, कहा सेलिब्रिटी होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है, भोपाल में फिल्म पटना शुक्ला की शूटिंग कर रही एक्ट्रेस अभिनय टंडन। सीढ़ियों से गिरे सिंगर जुबिन नौटियाल, कोहनी असली और सिर में आई चोट, मुंबई के अस्पताल में हुई मृत्यु। सिक्का मोटवानी का प्री वेडिंग फंक्शन हुआ शुरू, मेहंदी सेरेमनी में दिखा बेहद सिंपल लुक, 4 दिसंबर को होगी शादी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 की सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम घोषित, स्टार गेंदबाज बाहर, सभी मैच मुंबई में खेले जाएंगे। IPL 2023 का बचा भी गोल, 991 खिलाड़ियों की होगी नीलामी, 14 देश के प्लेयर होंगे शामिल। टेस्ला के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक की तस्वीर आई सामने, डीजल ट्रक से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली, फुल चार्जिंग के बाद 805 किलोमीटर तक चलेगा। और 28 दिन बाद गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 415 अंक गिरकर 62,868 पर बंद, निफ्टी 116 अंक।